मैं हरियाणा की, ये क्या लिखा है, प्रिय इज्जर जिले के असतपुर खेड़ा की रहने वाली, असतपुर खेड़ा की रहने वाली हूँ। मैं 3 साल से ये पत्र जिसमें दिया है, राम जी का फोटो बना है, जिन्हें दिया है वो अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, राम जी का फोटो बना है इसमें, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। मैं 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी गुरुजी। मैंने 3 साल पहले पेपर दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 3 साल तक मैं रेगुलर पेपर देती रही पर मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। गुरुदेव, अब मैं करूं तो करूं क्या? तब मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और आप कहते हो कि दिल से पढ़ो, दिल से अध्ययन करो, 4 गुना पढ़ाई करो और 4 गुना अध्ययन करो। मैंने वो भी कर पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं। अब करूं तो करूं क्या? तब मुझे मन में आया कि सीवर वाला गुरुजी कहता है कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करो, मैंने पंडाल में बैठकर भी कथा का रसपान किया, और बाबा ने क्या मुझे दिया पंडाल में बैठ के कथा सुनने का फल। शायद दुनिया के लोग कहते होंगे कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना, हम कहते हैं पंडाल नहीं, जिस जगह पर शिव महापुराण की कथा होती है वो पंडाल नहीं, वहां की मिट्टी कंकर शंकर बन जाती है और बाबा हमारी बात को सुनता है। गुरुदेव, हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, पंडाल में बैठकर पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से जो 3 साल पहले मैंने एग्जाम दिया था, उस 3 साल पहले के एग्जाम का रिजल्ट आ गया, और बाबा की कृपा से मैं हरियाणा पुलिस में भर्ती हो गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव तत्व लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। और अभी मेरी ट्रेनिंग गुड़गांव में चल रही है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहें पसारे अपने से। लगा लो, लगा लो गिना।